तैमूर फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त तनवीर शेख, फिर आया आपके लिए कुछ खास लेके। दोस्तों आज बात करने वाले बहुत ही अहम टॉपिक पे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। और टॉपिक क्या है मैं आपको पहले बताते चलूँ, वो है ये है कि खारे पानी की मछलियाँ। तो दोस्तों ये भी बहुत अहम टॉपिक है, तो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने से लाल बटन बेल आइकन भी दिया है, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे तो फॉलो करना ना भूले, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि किसी का फायदा हो। चलो दोस्तों जानते हैं आज खारे पानी की मछलियाँ क्या है, विशेष गुण विशेष क्या, कैसे रहती है, क्या होता है, सब पे बात करेंगे आज। पहली मछली लेते हैं, वो है व्हाइट श्रूप। क्या होती है इसके अंदर गुण विशेष और क्या है इसके सामान्य रूप। व्हाइट श्रूप शिंगा मछली की प्रजाति है जो कि भारत में व्यापक रूप से फैली हुई है। इनके शरीर का रंग नीला सफेद और किनारों पर से गुलाबी होता है। यह जल्दी बढ़ने वाली प्रजातियाँ है और 100 से 120 दिन के अंदर अंदर 100 से 120 ग्राम भार अर्जित करती है। यह सामान्यतः 7 से 8 इंच लंबी होती है। मादा मछलियाँ नर मछलियों से थोड़ी बड़ी होती है। श्रूप की मच्छियों का आकार उनके शरीर की लंबाई का 3 गुना हो सकता है। यह 0.5 पीपीटी से लेकर 45 पीपीटी के खारे पानी में रह सकती है। इस श्रूप की जीवित रहने की क्षमता और लार्वा का संग्रहण अन्य झींगा मछलियों से अधिक है। इसमें 35% प्रोटीन, 16% वसा और 3% कार्बोहाइड्रेट होता है और इनमें विटामिन की मात्रा भी होती है। इस श्रूप के प्रोटीन में वो सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। इस मछली का प्रति वर्ष उत्पादन 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 40 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। कल्चरिंग के बाद 150 दिनों में इसका भार 25 से 32 ग्राम होता है। अब हमने देखेंगे, हमने अभी देखा व्हाइट श्रूप के बारे में जो कि खारे पानी की मछली में बात कर रहे हैं हम। अभी हम देखेंगे खारे पानी की दूसरी मछली, उसका क्या नाम है, उसका नाम है सिबास मछली। क्या है इसकी विशेषता है, यह एक मैरीन मछली है जो कि मुख्य तौर पर कम गहरे क्षेत्रों और शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। टैक्सी बास मछली काफ़ी हद तक मजबूत शरीर वाली मछली होती है जिसके पंख लंबे, आंखें आगे की तरफ, काफ़ी हद तक तीखी नाक, एक बड़ा तिरछा मुंह और आंखें ऊपर की तरफ व्यवस्थित होती है। प्रत्येक गलफड़े के बाहरी किनारे पर एक समतल काटा होता है। प्राउड नर्व मछली में आगे वाले पंखों के ठीक पहले एक मांस वाला कुबड़ होता है। यह मछली कई रंगों की किस्मों में पाई जाती है लेकिन अधिकतर धुएं वाले सलेटी रंग से लेकर काले भूरे रंग या नीले काले रंग में पाई जाती है। यह एक मांसाहारी मछली है। यह मछली आकार में 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की होती है और इनका भार 2.25 किलो होता है। यह तकरीबन 120 फुट की गहराई में पाई जाती है। यह 3 प्रकार की होती है, स्ट्रिप्ड बास, वाइट बास और ब्लैक सी बास। हमने बात की वो थी सिबास मछली के बारे में, अब हम देखेंगे टाइगर श्रूप के बारे में। क्या होती है इसकी खास विशेषता है, यह तेजी से बढ़ने वाली श्रूप है और इसका आकार बड़ा होने के कारण यह किसानों के लिए उच्च कीमतें लाती है। यह सामान्यतः 33 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। श्रूप के 10 से 12 टुकड़े प्रति किलो सामान्य होते हैं और पोंडस में 5 से 7 टुकड़े प्रति किलो बढ़ते रहते हैं। यह 3 रंगों की किस्म में पाई जाती है, वाइल्ड टाइप, ब्लू टाइगर और ब्लैक टाइगर श्रूप। यह प्राकृतिक काई खाती है जो पानी में बढ़ती है। यदि फीड दी जाती है तो इसे प्रतिदिन 3 से 4 बार देने की आवश्यकता होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च कीमत वाली प्रजाति है। इस फैमिली से संबंधित ज़्यादातर खारे पानी की प्रजातियाँ होती है। यदि इन्हें जानवर या सब्जियों में प्रोटीन दी जाए तो ये तेजी से बढ़ती है और हैंडलिंग के दौरान ज़्यादा तंग नहीं करती। कल्चरिंग के बाद 100 से 120 दिनों में इसका भार 25 से 32 ग्राम होता है। उसकी बात करें हमने वो थी टाइगर श्रूप के बारे में। दोस्तों आज हमने खारे पानी की मछलियाँ 3 देखी, व्हाइट श्रूप,
सिबास मछली और टाइगर श्रूफ के बारे में। तो दोस्तों इन तीनों मछली के बारे में आपकी राय क्या है और हम इनके बारे में आप क्या जानते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त अनुरीश, कैटल फार्म में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।